नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उस तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। जी हाँ, 41A का नोटिस। ये 41A का नोटिस किस मर्ज की दवा है भाई? तो ये CRPC का एक प्रोविजन है। तो यदि इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है आप लोगों को, तो मेरा उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो अच्छे समझ में आएगा। आज का जो मेरा टॉपिक का मेन मकसद है, वो यह बताना है कि आपको यदि 41A का नोटिस आया है, तो आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, नोट ऑफ इंटरोगेशन, कि सर क्या करें, जाए या ना जाए। जाए तो कहीं अरेस्ट कर लिया तो, या नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है, यदि जाना हो तो कैसे जाए। तो ये सारे जो प्रश्न है, इस पर मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। चलिए अंत तक बने रहिएगा। टॉपिक का नाम है 41A का नोटिस क्या करें। समझिए 41A है क्या भाई, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यह एक CRPC का है, जो है एक प्रोविजन है। कहीं कहीं सेक्शन 41 में अमेंडमेंट हुआ है, तो 41A को ऐड किया गया है। अब भैया बात यह आती है कि 41A का नोटिस दिया क्यों जाता है। आपके पास यदि सुने होंगे कि फलाने को इस केस में 41A का नोटिस इस थाने से आया है, तो भाई ये 41A का नोटिस दिया क्यों जाता है। तो इसका मेन पर्पस होता है अनुसंधान को कंटिन्यू करना। अनुसंधान में आपकी जरूरत है, इसलिए आपको बुलाया गया। जरूरत नहीं है कि आप उसमें एक्यूज हो, एक्यूज को भी बुलाया जा सकता है, और एक्यूज नहीं है तो भी आपको बुलाया जा सकता है, यदि आपके पास मटेरियल फैक्ट या इंफॉर्मेशन या एविडेंसेस हैं तो, यदि उनको ऐसा लगता है तो आप जाइए अनुसंधान में उसको मदद कीजिए। मेन जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था CRPC का 41A को लाने में, वो यही था कि अनुसंधान में आयोग को मदद करने के लिए ही आपको भेजा जाता है। या 41A का नोटिस कभी भी यदि आपको एक्यूज को या किसी को भेजता है, उसका मेन पर्पस होता है कि जो उस संबंधित केस है उसको वाइंड अप करना अनुसंधान के बाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इन विच केसेस दिस टाइप ऑफ नोटिस यूज टू कम। आपको यदि नोटिस आया या किसी को भी नोटिस आता है, तो इस नोटिस को किस कैसे केसेस में आते हैं, किन केसेस में। तो कहा जाता है कि ये जो 41A का नोटिस है, वह ऐसा क्राइम या ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस जिसको प्रूव होने के बाद यदि उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल का हो, यानी अप टू 7 ईयर्स का पनिशमेंट यदि किसी भी सेक्शन में है, तो वैसे में कहा गया है कि 41A का नोटिस सर्व करना, एक्यूज को भी आप जो है 41A का नोटिस आपको देना पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन फिर उठता है कि ये आखिर कहीं पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है या कुछ, कोई ऐसा जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट जिसमें ये लाएगा। तो बिल्कुल है। तो उस जज केस का नाम है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा था सुरेंद्र कुमार अंतिल वर्सेज CBI। इस दो केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल तक का सजा, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर, मिनिमम कुछ भी, तो वैसे में आपको 41A का नोटिस भेजना मैंडेटरी है। यदि आपको लगता है कि उसको अनुसंधान में वो आया, मदद किया, और उसको आपको ये थाना में बुला के भी बेल देने का यदि आपको लगता है, तो आप उसको वहां पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, ऐसा गाइडलाइंस है। यदि आप उसको नहीं छोड़ते हैं, यदि अरेस्ट करते हैं, तो आपको क्या होगा, रीजन लिखना होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है। अब आइए, पुलिस एसोसिएशन जाने पर क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आपका क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर नोटिस आया, यदि गए तो क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्या। कई लोगों ने पूछा मेरे पिछला वीडियो को देख के, तो आज मैं उसको रिप्लाई करता हूं। आंसर है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। करना नहीं चाहिए यदि ट्रिवियल मैटर है तो, लेकिन वैसा केस यदि उसमें आप गए और आप उसमें प्राइम एक्यूज्ड हैं, और इसका यदि पुलिस को लगता है कि यह एविडेंस को डिस्टोर कर सकता है, या कोई विटनेस को क्या कर सकता है, विटनेस को प्रभावित कर सकता है, या एरिया छोड़ के भाग सकता है, विदेश भाग जाएगा, यदि उसको ऐसा संभावना लगे तो वह अरेस्ट कर लेगा। दोनों ही हालात में यदि नहीं अरेस्ट करता है तो भी उसको रीजन बताना होगा, यदि वो आपको अरेस्ट कर लेता है तो भी उसको रीजन बताना होगा। यदि रीजन रीजनेबल नहीं होगा, यदि रीजन किसी अच्छे तथ्य पे या कोई रीजनेबल नहीं लगेगा, तो उस कंसर्न IOP डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी स्टार्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर सर क्या करें, आपने बोला कि सर अरेस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि सर 1% चांस से कर सकता है, तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में, जाए या ना जाए। तो दो बातें, एक थ्योरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। यदि सिद्धांत की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा एज ए लीगल एडवाइजर में बोलूंगा जाना चाहिए, क्योंकि लॉ को तो तोड़ने के लिए कोई वकील बोलेगा नहीं। और दूसरा है, यदि भैया जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, तो जाके हम क्या करेंगे वहां पे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दो काम कीजिए आप, या तो आप मत जाइए, आप अपने किसी लीग ऐसे फ्रेंड को भेजिए, ऐसे रिलेटिव को भेजिए,
या सोसाइटी के ऐसे पर्सन को भेजिए जिसको लॉ की बेसिक जानकारी हो, थोड़ा वो जानकारी हो, या थाना में जाए तो वह बात को निकाल के आए कि आखिर मसला क्या है, क्या उसमें FIR उसका नाम है जिस केस में उसको नोटिस हुआ है, उस केस में उसका FIR नाम है क्या, यदि नाम है तो अरेस्ट कर सकती है, यदि नहीं है आपको अनुसंधान के लिए बुलाया है, आपके मित्र आके पता कर ले बुला रहे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 41 बस थोड़ा वो पूछताछ करके छोड़ देगा, या नहीं तो आप लीगल एक्सपर्ट हमारे ऐसे लोगों को भेजिए, इंगेज कीजिए और उनको भेजिए कि सर पता करके बता दीजिए, या उनके साथ जाइए, जाना ही है तो किसी लीगल एडवाइजर के साथ जाइए, किसी लॉयर के साथ जाइए, तो वो क्या करेगा आपको वहां पे मदद कर सकता है। ठीक है, अब इसी को एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यदि पुलिस स्टेशन ना जाए तो क्या होगा, यदि हम कोतवाली नहीं जाए इस नोटिस आने का क्या हो सकता है, दो विकल्प, पहला विकल्प तो यह है कि पुलिस के लिए क्या क्या हो सकती है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं यदि नहीं जाए तो, पहला यदि आप नहीं जाइएगा तो आयोग क्या क्या कर सकती है, इस नोटिस पे आप कहां नहीं आए कोतवाली या पुलिस स्टेशन तो वो क्या करेगा, कंसर्न कोर्ट से जाके बेलेबल वारंट ले लेगा आपके गेस्ट में और बेलेबल वारंट आपको सर्व करेगा, यदि यहां पर भी आप उनको अपीयर नहीं होते हैं तो क्या करेगा, कोर्ट्स को जाके प्रेयर करेगा बुजुर्ग दे दिया जाए नॉन बेलेबल वारंट, यदि नॉन बेलेबल वारंट पे भी आप अपीयर नहीं होते हैं भाग रहे हैं तो बेरासी का नोटिस ले लेगा, फिर सीआरपीसी में 82 का सेक्शन है जिसमें रखा है कि आपको भगोरा घोषित कर देगा वो, ठीक है, और बेरासी पे भी अपीयर नहीं होते हैं तो 83 का नोटिस ले लेगा जिसमें लगता है कि घर का कुर्की जब्ती का नोटिस इसको कहा जाता है। तो अब बात आती है कि यहां से यहां तक तो पहुंचेगा प्रोसीडिंग है, तो यदि आप अपीयर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आपने डिसाइड कर लिया कि सर नहीं ही जाएंगे हम नोटिस के बाद भी, तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके लिए वो है बेल, बेल मूव कीजिए और सही से नोटिस ले लीजिए, ऐसा ना हो कि 82-83 की नोटिस हो गया फिर बेल आप उसके बाद सोचेंगे हमको जाना चाहिए हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट से लेके हो सकता है लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो जाए, तो आप हाईकोर्ट मूव कीजिए और अच्छे एडवोकेट को एंगेज करते हैं जो प्रॉम्प्टली काम करता है, तुरंत काम करता है, हो सकता है 1.5 महीने में आपका बेल ले ले, क्योंकि यहां से यहां 1 महीना नहीं आ सकता है, आइयो बहुत करेगा तो भी 2-3 महीना लग जाएगा, बहुत फास्ट काम करेगा तो भी 2-3 महीना, तब तक आप हाईकोर्ट से बेल ले लीजिए, यदि लोअर कोर्ट नहीं देती है, कई सारे केसेस में लोअर कोर्ट बेल दे देती है तो लोअर कोर्ट से बेल ले लीजिए। तो यहां सारा मसला क्या है, डिसीजन लेने का है, तो याद रखिए यदि आपने डिसाइड किया कि 41 के नोटिस में हमको अरेस्ट कर सकता है, आपने जो भी लीगल काउंसिल को लेके या किसी एक्सपर्ट को भेजा हो और वो पता किया कि भाई तुमको अरेस्ट कर भी सकती है पुलिस, तो और हमको जाना ही नहीं है, डिसाइड कर लिए हैं तो बेल मूव करेंगे, अब बेल कब मूव करेंगे, 3 महीना बाद जब ये हो जाएगा तब, बिल्कुल नहीं, तब तक क्या करेंगे, हाईकोर्ट भी आपको जो है बोलेगी सरेंडर करो फिर बिल मूव करो, तो ये ध्यान रखना है आपको कब मूव करना है, क्या करना नहीं करना है, सारी बातें मैंने बताया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके उस आम तबके के लोगों को बताइए जो जानकारी के अभाव में कई दिन तो जेल में सर रहे हैं, या जो जानकारी के अभाव में भाग रहे हैं जो कि भागने की जरूरत सूझी नहीं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।